हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज जो शेयर लेके आए हैं वो जेट एयरवेज है। आपने देखा जेट एयरवेज में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और वो 162 का लो भी बनाया था। अभी रिसेंटली इसने 162 का लो भी बनाया है और इसकी जो 52 वीक है वो 883 है। तो अच्छी खासी गिरावट के बाद ये अभी 200 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है, जो कि इसका 202 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है। उस लेवल को ये नहीं तोड़ रहा है और बार बार ये यहाँ से 226-237 के बीच में, 237 से नीचे आ जाता है और 226 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक इसको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस मिल रहा है। अभी एक इस आप एक बार इसकी डिलीवरी परसेंट सेंटीमेंट इसका देखेंगे तो सेंटीमीटर तो इसका बाय दिखा रहा है। अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज देखें तो सिर्फ 9% की डिलीवरी है, 6% की डिलीवरी, 7% की डिलीवरी है। कहीं पे भी इसका न्यूज जो चल रहा है वो कहीं अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। तो अगर हम इसके न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ को देखें तो इन्होंने रिसेंटली इन्होंने ये बता दिया कि अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं। कैस्ट्रप जेट एयरवेज अलाउ पायलट टू क्विट विदाउट सर्विसिंग नोटिस पीरियड, इन्होंने पायलट को अलाउ कर दिया जाने के लिए, क्योंकि इनके पास कैश है नहीं तो करेंगे क्या ये। अगर फाइनेंशियल पोजिशन देखा जाए इसका, इनका अगर फाइनेंशियल पोजिशन देखने को जाऊँ तो आप देखिए इनका जो फाइनेंशियल पोजिशन देखिए एक बार इनका कॉड क्या है। तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं तो ये रिजर्व देखिए, रिजर्व सरप्लस जो होता है, जो कंपनी का मेन होता है जिससे कंपनी की ग्रोथ पता चलती है, -7,355 करोड़। जो ये कंटिन्यूस 2,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, फिर 3,000 करोड़, फिर 6,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़, तो आप देखेंगे इसने सारा वेल्थ ही खत्म कर चुका है ये अपने पास, इसके पास वेल्थ तो बचा ही नहीं है। तो अब कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें? तो 162 का जो उसने लास्ट लो बनाया था वो क्रूशियल लेवल है। आप ये मान के रखें, और अब 228 पे चल रहा है। लास्ट दिन की डिलीवरी देखिए आप, 2 नवंबर की डिलीवरी देखिए तो 9 टोटल 45 लाख शेयर की डील हुई, लेकिन सिर्फ 4,33,000 शेयर की डिलीवरी हुई 9.5% के रेट से। एवरेज इसका जो पॉइंट है 231 का है, फेस वैल्यू 10 रुपये की ये शेयर आती है। लो हाई बता ही दिया आपको, लो हाई कितना बनाया इसमें। तो कहीं से ऑप्शन चेन में भी अगर जा करके देखें, आपको देखने को तो देख ही सकते हैं। हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार इसका। ऑप्शन चेन में भी देखें तो जो पोजीशन बन रहा है वो कॉल की तरफ तो है, और कॉल की तरफ 260 पे 1,86,000 शेयर का एडिशन है, सबसे ज़्यादा है वो ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में है। तो यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है जेट एयरवेज में। तो अभी क्या एक न्यूज है, एक रिसेंट न्यूज आया है कि शायद जो अमेरिका की एक कंपनी है वो इसको बाय करना चाहती है। चलिए वो न्यूज़ को भी देखेंगे। अभी यहाँ पे भी देखेंगे अगर, तो ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड तो दिखा रहा है। वॉल्यूम से देखिए ये प्लस निकल रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा प्लस है, CCI में भी प्लस दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बाय तो दिखा रहा है, प्लस पॉजिटिव पॉइंट शायद न्यूज के चलते दिखा रहा हो, इसके चलते हो। ये वॉल्यूम जो एवरेज चल रहा है वो 209 के वॉल्यूम से ये निकाल रहा है। लास्ट दिन देखे तो ओपन हुआ, अब लास्ट डे के ट्रांजेक्शन देखे 234 पे ओपन हुआ, 234-37 का हाई बनाया, लो 226 का बनाया, क्लोजिंग 229 का दिया। तो कुछ दिन से न्यूट्रल में, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल बाय का जनरेट हुआ था, यहाँ पे देखिए सिग्नल बाय का जनरेट हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई न्यूट्रल को खास पोजिशन, ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन साइडवेज चल रहा है अपना, और इसका रेंज बना लिया इसने 200 जो ये लो जाता है, ये 210-211-212 के आसपास जाता है, 12 के आसपास जाता है, और वहाँ से ये फिर अब देखें 207 का यहाँ पे लो बनाया। तो 207 का लो बनाने के बाद ये लो तो 207 का फिर से नहीं बनाया है। तो इसका आप जो जो स्टॉक जो है, मतलब कि आप जो स्टॉक लेवल है वो 207 रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और इसको एक बाइंग का पोजिशन बना सकते हैं। अगर ये अगर बाय हो गया और अगर न्यूज जो इसकी है उसको डेल्टा वाले खरीदने वाले हैं, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो खरीदने वाली है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो जो 5 डेज का वॉल्यूम है वो 5 डेज का जो एवरेज है 225 रुपया, उसको क्रॉस करते हुए ये 229 पे क्लोजिंग दिया है। तो ये अपने 223-219 आठ दिन का डेमा, 223 का, 219 का, तो इसको क्लोज करके एक 229 पे खड़ा है, एक पॉजिटिव तो दिखता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्रूड नीचे आ रहा है, मार्केट फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है, हो सकता है इसमें बाइंग आपको दिखे। और सबसे बड़ा एक जिसके चलते हमको बाइंग देखने को इसमें समझ में आ रहा है, तो उसका रीजन जो देखने को समझ में आ रहा है वो है एक
अमेरिका की जो एक डील हुई है इनसे, ये न्यूज को देखिए आप, इसको सुनिए आप, ये जो डील हुआ इसके हालत के बाद अब खरीदार सामने आने लगे हैं और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की कंपनी डेल्टा एयरलाइंस जेट एयरवेज में हिस्सा खरीदना चाहती है। इसके अलावा टाटा ने भी डेल्टा एयरलाइंस में हिस्सा खरीदने की पेशकश की है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। थोड़ा सा और आपको डिटेल्स दें, टाटा के साथ डेल्टा एयरलाइंस भी खरीद की दौड़ में है और अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी है डेल्टा एयरलाइंस जो कि कंपनी में एतिहाद का 24% हिस्सा खरीद सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है। डिम्पी, क्या पुख्ता जानकारी और है आपके पास जेट एयरवेज की खरीद को लेकर? देखिए, पहले सिर्फ टाटा का ही नाम आ रहा था कि वो हो सकता है एक रिलीफ लेके आए जेट एयरवेज के अंदर, लेकिन अब डेल्टा एयरलाइंस के नाम आने से शेयर में भी जोरदार तेजी मिली है और खबर काफी हद तक पुख्ता हो रही है। दो हिस्से हैं इस पूरे डील के अंदर। डेल्टा एयरलाइंस जो कि अमेरिका की एयरलाइंस है, वो कह रहे हैं हम जेट एयर के अंदर जो एहतियात का हिस्सा है 24%, उसको हम लेना चाहते हैं। इससे पहले टाटा ने भी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन टाटा इतिहास का हिस्सा नहीं लेना चाहती। टाटा जो नरेश गोयल का 51% हिस्सा कंपनी में है, वो लेना चाहती है। यानी कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि दोनों की सोच, दोनों का हिस्सा खरीदारी को लेकर अलग अलग सेगमेंट है। अब इंपॉर्टेंट, डेल्टा एयरलाइंस के आने से क्या फर्क पड़ रहा है? डेल्टा एयरलाइंस के आने से एक तो बड़ा ग्लोबल प्लेयर आएगा जो कि प्रॉफिटेबल है और उसका कैश की कोई कमी नहीं है। डील प्रीमियम पे हो सकती है, जो क्योंकि कंपनी फंसी हुई है उनको दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। एक और बात कि इस डील का टोटल साइज, जो ज्यादातर हिस्सा होगा वो कैश का ज्यादा होगा, ये इस पर सबसे ल्यूरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। तो काफी सारी अहम पड़ाव के साथ ये है। अब इन दोनों को फायदा क्या होगा, यानी कि टाटा और डेल्टा को बेनिफिट क्या है अगर वो हिस्सेदारी खरीदते हैं? तो टाटास को तो एक तो सिंगापुर के अलावा भी उनको बाजार मिल जाएगा जहां पे वो कामकाज कर पाएंगे। दोनों कंपनीज को भारत में अगर एक्सपेंशन करना है एयरलाइंस का, तो उसके लिए बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कैश में डील हो रही है तो दाम अच्छे भी मिल सकता है, डील अच्छी साइज पे होगी। और दूसरा, दोनों कंपनियों को करार और मर्जर के बाद अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ये अच्छी चीज है कि दोनों बड़े ग्रुप जिन्होंने काफी हद तक मर्जर करार किए हुए हैं, वो अब इसको खरीद रही है। डेल्टा की स्थिति में आपको बता दूं, करीब 360 करोड़ डॉलर का ये मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। 5200 फ्लाइट रोज उड़ाती है, 800 से ज्यादा जहाज इनके पास हैं और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के साथ भी 2008 में मर्जर किया है जो कि सक्सेसफुली है। इसलिए बड़ा नाम अगर टाटा के अलावा जुड़ रहा है वो डेल्टा एयरलाइंस है, जिसकी वजह से आज जोरदार तेजी इसमें देखने को मिल रही है जेट एयरवेज में। जी शुक्रिया इस पूरी खबर पर और एक्सक्लूसिव जानकारी देने। तो ये एक था इसके जेट एयरवेज पे एक बाय का ये एक सिग्नल दिख रहा था। अब इसके अगर सारे मूविंग एवरेज को देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पे इसका क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल है, तो एक बार अगर यहाँ पे देखें 9 डेज का जो बता रहा है, और एक मिनट, 9 एक मिनट जस्ट मिला इसमें एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे अगर ये न्यूज है तो इसके चलते एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो सकती है। तो अब मैं जाकर के इसका अगर मूविंग एवरेज देखो, इसका सिंपल मूविंग एवरेज देखो, तो अगर ये मान लीजिए 9 दिन का 225 बता रहा है, ऑलरेडी ये 229 पे क्रॉस करके बैठा है। 50 दिन का इसका जो है 239 है, तो 239 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये 300 के लिए ओपन हो जाएगा। और अब इसका जो सेकेंड पिवोटल पॉइंट है वो 289 है, तो 289 क्रॉस करेगा तो फिर ये अच्छे खासे, फिर ये आप समझिए कि इसके जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट आता है इसका, वो 332 का आता है। तो 289 अगर क्रॉस करता है ये 289, तो 328-332 के आसपास चला जाएगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अगर 239 क्रॉस करता है तो 300 के लेवल पे ये जा सकता है। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है रिसेंट में दिखा दे। स्टॉप लॉस आप 100% इसको 207 का रखिए, 207 का अगर ये स्टॉप लॉस लेता है तो 162 दिखाएगा आपको, वापस हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में ये दिखा दे आपको, तो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन अगर कोई पोजिशनल होल्डिंग करना चाह रहा है, इसको पोजिशनल बेसिस पे होल्डिंग करना चाह रहा है, आप वीकली अगर मैं आपको दिखाऊँ, वीकली चार्ट पे देखिएगा, ये 162 का जो बनाया था इसने 1/10/2018 को, ये जो फर्स्ट वीक का जो बनाया था, उसके बाद जब देखेंगे आप ये 10/10/18 को, तो ये वापस यहाँ पे जो 162 बनाया था उसके लो को नहीं टच किया, 169 का लो बनाया, 169 के बाद 190 का लो बनाया और यहाँ 207 का लो बनाया और ये 201 का लो बनाया। यहाँ पे थोड़ा 207 के बाद एक 201 का लो बनाया था, तो आप देखेंगे 200 201
का जो लो वीकली चार्ट पे भी है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अगर ये 231 क्रॉस करता है, एक बार 231-32 क्रॉस करता है, तो आपको एक बार इसमें जंप 287 तक का देखने को मिल सकता है, 287-300 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी बाइंग है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ऐसा को बहुत खोने को तो कुछ नहीं, होने को तो आप एक लोज जो बना हुआ है इसका, वो बना हुआ है 162 का जो बना हुआ है वही बनेगा, तो 30-35 रुपये है। लेकिन जैसा आपको मैंने सुना है, न्यूज़ में सुना है कि अमेरिका डेल्टा ने बाय करना चाहती है, अगर वो बाय करती है तो ये अच्छा खासा जंप यहाँ से ले सकती है और आपको एक बार 300 का लेवल तो दिखा ही सकता है। 300-320 आपको जो यहाँ पे बताया था 287 का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। इस ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज से हैं। अगर कोई भी पोजीशन बनाना हो आपको, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही पोजीशन बनाएं। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। जिस अगर किसी के पास ये, मान लीजिए आप फॉरवर्ड करते हैं, किसी के पास ये पोजीशन बनी होगी तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। अभी उनको निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई ऊपर लेवल पर फंसे हुए हैं, अगर कोई यहाँ से ट्रैप करके, मान लीजिए जब ये यहाँ पे था, अब 621 के आसपास था, वहाँ से कोई ट्रैप होकर के अगर गिरा हो तो समझिए अच्छा खासा उनको लॉस हो रहा होगा। और अगर मैं एक बार इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ कर दूँ, अगर इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ करता हूँ मैं एक बार, तो आप देखेंगे कि आपको 397 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये सेम चीज जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी यही बताता है कि पहला जो 239 अगर क्रॉस करता है तो आपको 270 देखने को मिलेगा, 270 के बाद 344 देखने को मिलेगा और 344 के बाद 397 देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये क्रॉस करेगा और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है आपको जैसे यहाँ खुद सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने से फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपको पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके पोजीशन बनाएं। धन्यवाद।